हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत जो आपका SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, रायपुर और नागपुर पार्टिकुलर तीनों यूनिट के डिविजन के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसका मेरिट में सेलेक्शन हो गया उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर जिसका मेरिट में सेलेक्शन नहीं हो पाया कट ऑफ से ज्यादा होने के बावजूद भी, या फिर जिसका मेरिट में ऐसे भी कम परसेंटेज है फिर भी सेलेक्शन नहीं हो पाया और सेकेंड में भी उनका सिलेक्शन ना हो पाए, वैसा गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। बाकी आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, और हाँ एक बात का याद रखिएगा कि आप सभी को एक और मौका डिपार्टमेंट यहां पे दे रहा है। कैसे और क्या करना है, किन लोगों को करना है, कितना परसेंटेज वालों को करना है, वो सारा डिटेल हम वीडियो के आगे देखने वाले हैं। इसके साथ साथ नागपुर का कुछ स्टेट का कुछ कैटेगरी का कट ऑफ के बारे में भी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जिसका परसेंटेज ज्यादा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, जिसका कम परसेंटेज है कट ऑफ से उन लोगों के लिए भी अच्छा यहां पे खबर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और क्या क्या आपको चेंजमेंट करना है नेक्स्ट प्रोफाइल के रिगार्डिंग ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको आ जाना है नेप्स के प्रोफाइल आपको चेक करने के लिए apprenticeship.gov.in ऑफिशियल साइट पे, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप वहाँ पे मैसेज करके मांग लीजिएगा, वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, नेप्स पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए कैंडिडेट डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट है या फिर नहीं है, क्योंकि SECR बिलासपुर, रायपुर, नागपुर का तभी आपका मेरिट में नाम आएगा जब आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगा। तब अगर आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगा तो आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा। अब कुछ जो नए छात्र होंगे जो इस बार ITI पास किए होंगे उनका यह सवाल हो सकता है कि सर हम अप्रेंटिस पे जो पोर्टल पे अपना 100% कैसे प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग आने वाला टाइम में आपको बहुत जल्द चैनल पर वीडियो मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करके आप अपना प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का डाउट होगा कि सर हमारा प्रोफाइल तो 100% कंप्लीट है, हमने फॉर्म भी अप्लाई किया है फिर भी हमारा मेरिट में नाम नहीं आया, तो सेकंड स्टेप में आपको क्या चेक करना है वो देख लीजिए। देखिए कुछ कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि सर हम कितना फॉर्म अप्लाई किए ये हमारा शो नहीं होता है। तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन, यहां पे पार्टिकुलर कैंडिडेट का 6 ऐसे डिवीजन है जहां पे इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करिएगा ना तो जितने डिवीजन में आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा सारा का डिटेल आपको शो हो जाएगा, तो यहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जैसे ही आप देखिए अपने यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको आना है, सीधा आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सीधे आपको आ जाना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कॉलम पे। ठीक है, यहां पे आपको क्या चेक करना है कि आपका 10th का और ITI का पूरा डिटेल सही से सबमिट है या फिर नहीं है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 10th प्लस ITI मिलाकर 90 बन रहा, 95 बन रहा, ठीक है, फिर भी उनका मेरिट में नाम नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल जो है साइट पे सबमिट नहीं किए हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपका 10th और ITI का प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। आपने 10th जो किया है वो सारा डिटेल फिल होना चाहिए, ITI जो किया है वो भी आपको यहाँ पे कैटेगरी सेक्टर में लिखना है कि आपने SCVT से ITI किया है या फिर आपका NCVT से आपने ITI किया है। इसके बाद देखिए यहां पर पूरा आपका प्रोग्रामिंग मेंशन होना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि प्रोग्राम डेट, आपने जो 10th किया है कौन से साल में आपने एडमिशन लिया और आपका रिजल्ट कब आया वो डेट मेंशन होना चाहिए। सेम उसी तरह ITI का भी आपका होना चाहिए कि किस साल में आपने एडमिशन लिया इंस्टीट्यूट में और कब जाके आपका यहां पे क्लियर हुआ, ITI का रिजल्ट आया।
ठीक है, तो इतना सारा देखने के बाद आपको अपना टोटल मार्क्स पे आना है। अब टोटल मार्क्स जो आपके मार्कशीट पे होगा वो डालना है, टेंथ का और आईटीआई का, ठीक है। उसके बाद टोटल जो परसेंटेज बनेगा वो डाल देना है। एग्रीगेटेड मार्क्स आपका टोटल में से कितना नंबर आया वो डाल देना है। ये काम आपको मैंडेटरी है, एकदम करना ही, अगर आप चाहते हो कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो यस का है ना, हाइएस्ट क्वालिफिकेशन में आपका आईटीआई में यस होना चाहिए, टेंथ वाला में यस मत करिएगा, नहीं तो मेरिट में प्रॉब्लम होगा। इतना काम करने के बाद अब आपको लेके चलते हैं मेरिट लिस्ट पे, और अब आपको कटअप बताते हैं, और आपको ये बताते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है, कब जाना है, कहां जाना है, इसके रिगार्डिंग डिटेल देख लीजिए। अब देखिए, हम आ गए हैं आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर का मेरिट लिस्ट में, ठीक है। बाकी बिलासपुर का बात करेंगे, रायपुर के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा धीरज बना के रखिए, पहले इसका कटअप देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल हो पाया है कटअप, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रीशियन वाले का जो सिलेक्शन हुआ है, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रीशियन वाले का जो सिलेक्शन हुआ है वो आपका ओबीसी का कटअप गया है 81.52, ठीक है। ये आपका ओबीसी का कट ऑफ गया इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कट ऑफ और कम हो सकता है, 81 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। तो जिसका भी 81 के अराउंड है ओबीसी से, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, अच्छी बात है। जिसका नहीं आया है उसको आगे क्या करना है, उसके बारे में आगे वीडियो के एंड तक बने रहिए। बाकी नेक्स्ट डेट का कट ऑफ देखिए, फीटर का, फीटर का अगर बात करते हैं तो इसमें आपका 84% पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अगर आपका 83 भी बन रहा, यहां तक कि आपका अगर 82.5 भी बन रहा, फिर भी आप मेरिट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट के लिस्ट में माने जाओगे, ठीक है। कैसे वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट डेट यहां पे देखते हैं, कोपा, कोपा वाले कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, कोपा का जो सिलेक्शन हुआ है वो आपका एससी कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है 77.65% पे, ठीक है। ये एससी का हम आपको कटअप बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा एससी का हम आपको ये कटअप बता रहे हैं। नेक्स्ट डेट हम देखते हैं डीजल मैकेनिक, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट हमेशा बना रहता है। तो डीजल मैकेनिक ओबीसी के अंतर्गत जो आपका कटअप गया है वो आपका 83.60% आपको देखने को मिल रहा डीजल मैकेनिक का ओबीसी में 83.60। बाकी जिसका यहां पे 82.50% है, ओबीसी से बिलोंग कर सकते हैं, उनका भी मेरिट में नाम आने का पूरा संभावना है। आगे अब आपको क्या करना है वो ध्यान से दीजिए। एक और ट्रेड का कट ऑफ हमारे पास अवेलेबल है, वो भी हम देख लेते हैं, कारपेंटर। कारपेंटर का जो सिलेक्शन हुआ है वो आपका ओबीसी के तहत किया गया है, जिसका आपका कट ऑफ गया है 77.6%। ये आपका ओबीसी में कारपेंटर का कट ऑफ गया है। अब मान लीजिए जिसका इससे ज्यादा परसेंटेज है फिर भी मेरिट में नाम नहीं आया है, उनको क्या करना है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। यहां देखिए, आपका जो डीवी नागपुर का चलेगा वो 5 तारीख से डीवी चल रहा है, मतलब आज से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। जो आपका लास्ट यहां पे चलेगा कितना तारीख तक, तो 15 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलने वाला है। अब इसमें आपको क्या करना है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए खासकर वो सभी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए एक लाइन आपको यहाँ पे एसईसीआर नागपुर ने आप सभी के लिए ऐड किया है, वो क्या देखिए, कैंडिडेट हु आर नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एंड फील दैट दे हैव एनफ परसेंटेज टू फाइंड प्लेस इन शॉर्टलिस्टेड और हैव एनी ऑब्जेक्शन टुवर्ड शॉर्टलिस्टेड कैन लॉग इन देयर कंप्लेंट थ्रू वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और द कैंडिडेट कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट बाय द पर्सनली अटेंडिंग रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ सीनियर डीपीओ ऑफिस एट फर्स्ट फ्लोर साउथ सेंट्रल रेलवे नागपुर किंग्सवे नागपुर ऑन 20/9/2023 बिटवीन 10 AM टू 5 PM आफ्टर दैट द केसेस नॉट बी इंटर्ड। कहने का मतलब है कि जिन कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि कट ऑफ से ज़्यादा उनका परसेंटेज है, कट ऑफ ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता दिया है जो ट्रेड का हमारे पास अवेलेबल हो पाया, बाकी जिसका नहीं अवेलेबल हो पाया है उसके रिगार्डिंग भी हम आपको बहुत जल्द अपडेट कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में जरूर से जरूर ऐड हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर का कहना है कि जिन भी कैंडिडेट का कट ऑफ से ज़्यादा परसेंटेज बन रहा है फिर भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है तो उनको क्या करना है, उनको आना है ऑब्जेक्शन के लिए। कहाँ आना है, कैसे करना है ऑब्जेक्शन, तो आप ये ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के ऑफिस में जाना पड़ेगा। कहां पे जाना है, तो देखिए
रजिस्टर देयर कंप्लेंट बाय पर्सनल अटेंडिंग, मतलब आपको खुद जाके वहां पे करना होगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन कहां पे? सीनियर डीपीओ ऑफिस एट फर्स्ट फ्लोर साउथ सेंट्रल रेलवे किंग्सवे नागपुर। यहां पे आपको जाना है। कब जाना है? तो 20/9/2023 को आपको जाना है, ठीक है। पर्सनली अटेंड करना है, ऐसा मत सोचिएगा कि आपका दोस्त जा रहा उसको बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एक पर्सन एक ही कंप्लेंट वहां पे कर सकता है, ठीक है ना। एक पर्सन मल्टीपल कंप्लेंट वहां पे नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका परसेंटेज ज्यादा है फिर भी आपका मेरिट में नाम नहीं आया, तो 20/9/2023 को चले जाइएगा 10 से 5 के बीच। और जब आप जाइएगा तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। हो सके जब आपका आप एलिजिबल पाए जाओ, आपका कट ऑफ ज्यादा बन रहा हो, मेरिट लिस्ट में जितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ उससे आपका परसेंटेज उसके अराउंड या फिर ज्यादा बन रहा हो, तो आपका हो सके साथ ही साथ में डीवी भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा एक हम अभी एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, फिर भी आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। हो सके अगर आप एलिजिबल पाओ जाएंगे तो आपका वहां पर डीवी भी साथ में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो 20/9/2023 को जाना है। बाकी जाने से पहले आपको क्या चेक करना है वो उसको भूलिएगा मत। ऐसा नहीं कि आपने 10th का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया और आप चले गए तो रिजेक्शन हो जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, मायूस आपको घर आना पड़ेगा, ऐसा काम मत करिएगा। जाने से पहले आपको अपना नेप्स प्रोफाइल पे देख लेना है कि आपका वहां पे प्रॉपर 10th का और आईटीआई का मार्क्स और यहां पे जो मार्कशीट बोल लीजिए या फिर सर्टिफिकेट बोल लीजिए अपलोड है या फिर नहीं है। अगर ये सारा कुछ है फिर भी आपका मेरिट में कट ऑफ के ज्यादा होने के बावजूद भी नाम नहीं आया तो आपको 100% वहां पे जाना चाहिए, मेरिट में सिलेक्शन होने का संभावना बहुत ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो बस यही जानकारी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाकी जिसका जो भी डाउट होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।